हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, और एक्सरसाइज 9.5 में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर क्लास 8 का मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा बच्चों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, ओके। सो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर सीनियर क्लासेस यानी कि 9, 10, 11, 12 के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हो, करेक्ट। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के किसी चैप्टर का, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7503644171 पर, इस नंबर पर बच्चों व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे, करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पिन कमेंट में इसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए तो आपके मोबाइल या लैपटॉप में पार्ट 1 से इस चैप्टर का लिंक ओपन हो जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे आपको एक सिस्टमैटिक ढंग में आपका ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने हमसे बोला है, अगर आप पढ़ेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 151 एनसीईआरटी, कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ओके। सो बच्चों, b माइनस 7 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब एक तरीका तो क्या था कि b माइनस 7 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b माइनस 7 इंटू b माइनस 7, है ना। अगर हम चाहें तो उसको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है ना। सो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से कौन सा लगेगा, तो जवाब है सेकेंड वाला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए आइए इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने पढ़ा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए, बी माइनस 7 का होल स्क्वायर दिया हमें, क्या दिया है, बी माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ए की जगह बी आ रहा है और बी की जगह 7 आ रहा है, बस। तो a का स्क्वायर यानी कि a की जगह हमें क्या लिखना है, b, सो b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, सो a की जगह b और b की जगह क्या है, 7 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर b की जगह माइनस 7 नहीं रखोगे, नहीं, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस, जब साइन सेम होते हैं तो बस हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन मत लो, सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है b माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a माइनस b का, आप ऐसे देख लो ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू a की जगह b और b की जगह 7 और प्लस b का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ओके। सॉल्व कर लीजिए, यहां से हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 इंटू बी यानी कि b माइनस 14 b और प्लस 7 का स्क्वायर, 7 2 जा 14 मत कर देना, 7 7 जा कितना होगा, 14 49, ओके, 7 7 जा 49, करेक्ट। सो b स्क्वायर माइनस 14 b प्लस 49, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पार्ट 2, एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर, ओके। सो आप क्लियरली देख रहे होंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, करेक्ट। तो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, b का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी और a के स्क्वायर को हम ब्रैकेट, a पे ब्रैकेट लगा के फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ओके। अब आप देखो इसको यहाँ पे कॉपी करो, क्या हो जाएगा, एक्स वाई और प्लस 3z होल स्क्वायर। आप क्लियरली देख रहे हो बच्चों, a की जगह एक्स वाई आ रहा है, देख लो, और b की जगह क्या आ रहा है, 3z, करेक्ट। सो जहाँ जहाँ a हम क्या रखेंगे, एक्स वाई, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3z, 3 और z, ओके। नाउ a का स्क्वायर, a की जगह एक्स वाई, सो एक्स वाई और a के ऊपर स्क्वायर है यानी कि एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए की जगह क्या रखना है, एक्स वाई, सो 2 इंटू एक्स वाई इंटू बी की जगह क्या रखेंगे हम, 3z, ओके। सो b की जगह हमने रखा 3z और प्लस b का स्क्वायर, सो b की जगह हम क्या रखेंगे, 3z, 3z और ये देखिए b के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ओके। चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, देखिए एक्स वाई का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है एक्स वाई इंटू एक्स वाई, करेक्ट। सो आंसर कितना आएगा, देखो एक्स की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, भाई एक्स की पावर कुछ नहीं थी तो 1 मानोगे, वाई की पावर कुछ नहीं थी तो 1 मानोगे, है ना, ये बात मैं शुरू से आपको बताता हुआ चला आ रहा हूँ, करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए
सो बेस से हमें पावर ऐड, x की पावर 1 प्लस 1 2 और y की पावर 1 प्लस 1 2, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है x y का स्क्वायर, इसका मतलब होता है x इंटू वाई का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर x को मिलेगा y को भी, सो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह क्या हो प्लस हो, तो बच्चों आप ये स्क्वायर x और y को सेपरेटली नहीं दे सकते हो, ऐसा आप मत कर देना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या बीच में माइनस हो तब भी नहीं कर सकते। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, प्लीज़ इस बात का बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर x को मिलेगा y को भी, है ना, यानी कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने आपको करके भी दिखाया, प्लस देखो 2 ऐसे ही रहेगा, नहीं 2 इंटू 3 क्या होता है 6 एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड बस 2 3 जो 6 एक्स वाई जेड, और प्लस 3 जेड का स्क्वायर बच्चों कर सकते हो उसको, 3 जेड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 जेड का स्क्वायर, ओके बिल्कुल सही। देखिए 3 जेड का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 3 जेड इंटू 3 जेड, है ना, 3 3 जा 9 और जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, करेक्ट। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, स्क्वायर 3 को मिलेगा जेड को भी, 3 का स्क्वायर 9, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो ये हो जाएगा क्या 9 जेड स्क्वायर, ओके ऐसा हो गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6 एक्स वाई जेड प्लस 9 जेड स्क्वायर, प्लीज नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3, ओके। सो यहाँ पे हमको बोला गया है 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई का होल स्क्वायर, तो आपको देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, अंदर जो एक्स पे स्क्वायर लगा है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा, ये ए है फिर माइनस, ये बी है और होल स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, करेक्ट। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड वाली आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट लग सकती है, सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिखा बी को ब्रैकेट में और फिर ऊपर स्क्वायर लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स इसको इसके नीचे कॉपी करो तो आपको पता चल जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाई और ये क्या है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों बहुत सिंपल और क्लियर दिख रहा है आपको कि a की जगह क्या आ रहा है 6 एक्स स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये देखो ना a की जगह 6 एक्स स्क्वायर, यानी कि जहां जहां a आ रहा है आप क्या लोगे 6 एक्स स्क्वायर, और b की जगह 5 वाई आ रहा है, ये सबको दिख रहा होगा बहुत ईजली, b की वैल्यू क्या है 5 वाई। सो यहां पे आइए a का स्क्वायर है, a की जगह क्या रखना है 6 एक्स स्क्वायर, प्लीज ध्यान दें a की वैल्यू हमने क्या रखी 6 एक्स स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट लगा है तो लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा है लगा देंगे, ठीक। माइनस 2 इंटू ए, ए की जगह 6 एक्स स्क्वायर और बी की जगह 5 वाई, ओके, और प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा 5 वाई, ये ब्रैकेट लगा है लगा देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा है लगा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, इसका मतलब होता है कि 6 एक्स स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में अंदर जो लिखा है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 एक्स स्क्वायर इंटू 6 एक्स स्क्वायर, ओके, 6 सिक्सा क्या होता है 36, x की पावर 2 इंटू x की पावर 2, बेस सेम है पावर एड, 2 प्लस 2 4 यानी कि x की पावर 4, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका भी है क्या, ये स्क्वायर 6 को भी मिलेगा x स्क्वायर को मिलेगा, अब देखो 6 का स्क्वायर और इंटू है यहां पे इंटू x स्क्वायर था और इसको फिर से स्क्वायर दे दो, यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36 इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर्स क्या होंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जब भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाओ इसका ऊपर कोई और पावर लगी हो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टू द 4 सो एक्स की पावर 4, यहां से इंटू का साइन हटा दो क्रॉस का, 36 एक्स की पावर 4, ओके, सो 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 एक्स टू द पावर 4, 2 6 जा 12, 12 इंटू 5 देखो माइनस तो ऐसे रहेगा ना, 2 6 जा 12, 12 इंटू 5 ठीक है कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 60, ओके। नाउ आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60, ओके, तो 60 आएगा एक्स स्क्वायर वाई, लो एक्स स्क्वायर वाई, ओके, प्लस अब देखो 5 वाई का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, ये आपने कॉपी कर लिया होगा इधर से, है ना, सो 5 वाई का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि 5 वाई को 5y से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, किसको, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, यानी कि 5y into 5y, ओके, 5 5 होता है 25 और y into y होता है y स्क्वायर, ये सभी बच्चों को पता होगा।
आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये स्क्वायर 5 को मिलेगा वाई को भी, 5 का स्क्वायर 25, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, सो 25y स्क्वायर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 36x टू द पावर 4 माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 25y स्क्वायर, ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट फोर्थ, 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर, सो आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी फर्स्ट वाली, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। सो हमें पता है क्या कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस 2 into a into b और प्लस बी स्क्वायर, ओके, यही होता है। ये a को ब्रैकेट में मैं जानबूझ के लिखता हूँ, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ताकि a की वैल्यू हम यहाँ रखें उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक। फिर 2ab को मैं 2 into a into b दिखाता हूँ ताकि पता चले कि 2 को a से फिर a को b से मल्टीप्लाई करना है। b को मैं ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगाता हूँ ताकि आपको पता चले कि b की वैल्यू रखें और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कॉपी करिए यहाँ पर, 2/3m और प्लस 3/2n होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है a की जगह क्या आ रहा है, 2/3m दिख रहा होगा, ठीक। सो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2/3m, इसी तरीके से आपको साफ साफ दिख रहा होगा b की जगह 3/2n, तो जहां जहां b आएगा हम क्या रखेंगे, 3/2n रखेंगे, ओके। चलिए आइए सॉल्व करते हैं a का स्क्वायर, सो a की जगह 2/3m और a के ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2 into a, a की जगह 2/3m into b, b की जगह 3/2n और प्लस b का स्क्वायर है, ओके स्टूडेंट्स। सो b की जगह हम क्या रखेंगे, b की जगह 3/2n रखेंगे, करेक्ट। सो b की जगह हमने क्या रखा, 3/2n रखा और यहाँ पर स्क्वायर इस तरीके से लगा हुआ है, करेक्ट। अब देखो 2/3m होल स्क्वायर इसका क्या मतलब है, 2/3m होल स्क्वायर इसका मतलब है कि 2/3m को मल्टीप्लाई करो 2/3m से, 2/3m होल स्क्वायर मतलब 2/3m into 2/3m, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, अगर पावर 3 होती तो हम ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, ओके। नाउ अब आप देख सकते हो बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 3 9, m into m क्या होता है, m स्क्वायर, ठीक। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, 2/3m होल स्क्वायर, तो देखो ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, m को मिलेगा, 3 को भी मिलेगा, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, लेकिन ऐसा तभी होता है जब 2/3 into m लिखा होगा, यहाँ प्लस लिखा होता 2/3 और प्लस m, तब ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक। कई बार मैं आपको ये बता चुका हूँ बच्चों, सो ये आ जाएगा 4/9 एम स्क्वायर, 2/3m होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9m स्क्वायर और प्लस, अब ध्यान दें बच्चों ये नंबर्स को पास पास ले आओ आपको थोड़ा सा फील आएगा, मैं आपको बताता हूँ, 2 into 2/3 into 3/2 into m into n mn प्लस 3/2n का होल स्क्वायर, अब तो आप समझदार हो बच्चों, ये आप मेरे ख्याल से डायरेक्टली आप इसको हैंडल कर सकते होगे, क्या है 3/2n होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 2 को मिलेगा, n को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ये आप सोच सकते हो कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं 3/2n into 3/2n, ओके, 3 3 9, नीचे 2 2 4, n into n, n स्क्वायर, ये नीचे क्या दिक्कत है, सो यहाँ से हो जाएगा 9/4n स्क्वायर, ओके। नाउ अब ध्यान दे बच्चों, इसको हैंडल कर लोगे आप लोग, ये 2 से 2 कैंसिल, भाई एक ऊपर एक नीचे, न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, ओनली 2 बचा, सो 2mn बच जाएगा, सो यहाँ से आ गया क्या, 4/9m स्क्वायर और प्लस 2 into mn, यानी कि 2mn और प्लस 9/4n स्क्वायर, 9/4n स्क्वायर, ये लीजिए 4/9m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9/4n स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 0.5p माइनस 0.5q होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर हम लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। सो हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है क्या, a का स्क्वायर, a को ब्रैकेट में लिखो, स्क्वायर लगा दो, माइनस 2 into a into b
और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि बी को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगा देंगे, करेक्ट। सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह 0.4p माइनस बी की जगह 0.5q और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। नाउ आप देख सकते हो ए की जगह कितना आ रहा है 0.4p, ठीक है। सो जहां जहां ए आएगा मैं आपको कहीं साइड में लिख दूं, ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे बच्चों 0.4 into p यानी कि 0.4p, और आप क्लियरली देख रहे होगे बच्चों बी की जगह हम कितना रखेंगे 0.5q, ओके। सो बी इज इक्वल्स टू 0.5q, ठीक है। नाउ सो देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए की जगह 0.4p यानी कि 0.4p होल स्क्वायर माइनस 2 into a into b यानी कि 2 into a, ए की जगह 0.4p, ओके 0.4p इंटू बी की जगह 0.5q और प्लस बी का स्क्वायर, बी या क्या रखेंगे हम 0.5q, और ध्यान रखें बी के ऊपर स्क्वायर लगाए सो स्क्वायर लगा देंगे। यार बच्चों थोड़ा सा छुप रहा होगा लेकिन आप ध्यान दें 0.5q के ऊपर क्या है स्क्वायर है, ओके। नाउ आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट 0.4p का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है पता है, 0.4p का होल स्क्वायर इसका मतलब होता है कि 0.4p को मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा उसको 2 times मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.4p into 0.4p, सो 0.4 into 0.4 0.16 हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 4 जा 16 और पीछे से 1 digit और 2 digit छोड़ के डेसिमल, सो पीछे से 2 digit छोड़ के डेसिमल, ठीक है 0.16 और p into q pq ये लीजिए। अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, ये स्क्वायर 0.4 को मिलेगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू ये स्क्वायर p को भी मिलेगा, अच्छा आई एम वेरी सॉरी एक मेरे से गलती होगी, p इंटू पी बच्चों कितना हो जाएगा p स्क्वायर, है ना, q तो है ही नहीं है, p इंटू पी पी स्क्वायर, ओके। सो ये जो स्क्वायर है 0.4 को मिलेगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16 और ये स्क्वायर p को मिलेगा, p का स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 0.16p स्क्वायर, करेक्ट। सो 0.4p स्क्वायर का मतलब 0.16p स्क्वायर। नाउ बच्चों ध्यान दें ये आपको मल्टीप्लाई करना है 2 into 0.4 into 0.5, है ना। सो इसको हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए माइनस मैं आप नंबर से ऐसे लिख देता हूँ 2 into 0.4 into 0.5 और p into q pq, ठीक, और प्लस ये कॉपी करिए इधर का, कॉपी करिए, कर लिया, चलो जीरो पॉइंट फाइव क्यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 0.5q into 0.5q, सो 0.5 into 0.5 कितना होता है 0.25, है ना, कैसे भाई 5 5 से कितना होगा 25 और पीछे से 2 digit छोड़ के डेसिमल लगेगा और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक, अपने मन से 0.25 और q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर ये लीजिए। अगर आप इसको चाहते डायरेक्टली कर सकते थे, ये स्क्वायर 0.5 को मिलेगा, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 into 0.5 0.25, और ये स्क्वायर q को मिलेगा सो q का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना 0.5 q का होल स्क्वायर 0.25 q स्क्वायर, ओके ऐसा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक ईजी तरीका है, मैं आपको बताऊं, देखो ये जो लिखा है ना नंबर 2 into 0.4 into 0.5, इसको मल्टीप्लाई करने का एक ईजी तरीका है, करने को आप कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ 2 into 0.4 into 0.5 लिखा है ना, सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 into 0.5 into 0.4, भाई 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और 0.4 लास्ट में लिख दो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 into 0.5 into 0.4 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। नाउ 2 5 का क्या होता है 10 होता है और पीछे से 1 digit छोड़ के डेसिमल, यानी कि 1.0 आ जाएगा, 2 into 0.5 1.0 into 0.4। अब सुनो बच्चों 1.0 का क्या मतलब होता है 1 सभी बच्चों को पता है 1.0 का मतलब 1 ही होता है, ओके। सो 1.0 को हमने 1 लिखा इंटू में 0.4, अब आप देख सकते हो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा, सो 1 into 0.4 आंसर क्या आ गया 0.4, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 0.4 है, ओके। सो 0.16 p स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 0.4 आ गया,
p इंटू क्यू पी क्यू और प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम ऐसे करना चाहते हैं 2 × 0.4 × 0.5। आप ऐसे भी कर लो, मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो क्या लिखा है, 2 × 0.4 × 0.5, सो 2 × 0.4 0.8 हो जाएगा, भाई 2 × 4 = 8 और पीछे से एक डेसिमल, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 0.8 × 0.5। अब देखो जरा ध्यान दें प्लीज, 8 × 5 का कितना होता है 40 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 0.40 और 0.40 का मतलब 0.4 ही होता है क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर हो लास्ट में 0, तो ये 0 हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सो 0.4 आ गया, यहाँ से भी 0.4 आ रहा था। सो योर फाइनल आंसर इज 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। ओके सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो आंसर आ रहा है एनसीईआरटी, जो मेरे पास है, मुझे नहीं पता कि करेक्टेड वाली एनसीईआरटी आपके पास मतलब न्यू वर्जन होगा, मेरे पास तो काफ़ी पुरानी बुक है, तो उसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.16 पी स्क्वायर और प्लस 0.04 पी क्यू, ओके, और प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। तो ये आंसर आ रहा है जो कि गलती से मिसप्रिंट है, ये आंसर ऐसा नहीं आएगा, प्लस तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो माइनस 2ab होना चाहिए ना, माइनस में तो आना ही चाहिए ना। सो ये आंसर बच्चों आपका रॉन्ग है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, या न्यू बुक में करेक्टेड होगा। सो योर आंसर इज 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा है 0.4 पी माइनस 0.5 क्यू होल स्क्वायर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो क्लियरली a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी, आप देख सकते हैं। सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर और प्लस 2 × a × b और प्लस बी स्क्वायर। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको हमने यहां पे नीचे कॉपी कर लिया, 2xy और प्लस 5y ब्रैकेट में और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देख सकते हो आप क्लियरली a की जगह 2xy आ रहा है, सो a की जगह क्या आ रहा है 2xy और b की जगह 5y, सो b की जगह 5y लेके हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a की जगह 2xy यानी कि 2xy, a की जगह 2xy स्क्वायर, ओके, प्लस 2 × a × b, a की जगह 2xy यानी कि 2xy, ध्यान देंगे बच्चों प्लीज, a की जगह 2xy इंटू, देखो ये वाला 2 तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, क्रॉस लगाया ये वाला यहां पर, और a की जगह 2xy और b की जगह 5y, ओके, और प्लस b का स्क्वायर, सो b की जगह हम क्या रखेंगे 5y और यहां पर हम लगा देंगे क्या स्क्वायर। ओके नाउ अब बच्चों ध्यान दें, यहां पर 2xy का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है 2xy का होल स्क्वायर, इसका मतलब है जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको 2 times मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यानी कि 2xy × 2xy, सो 2 × 2 हो गया 4 और x × x हो गया x स्क्वायर और y × y हो गया y स्क्वायर, ठीक। सो आंसर इज व्हाट, 4x² y² अगर आप चाहते इसको डायरेक्टली कर सकते थे, ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, x को मिलेगा, y को, तीनों को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके नो प्लस, अब ध्यान दें बच्चों 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20 और देखो x ऐसे ही रहेगा और y × y y² भाई y × y y² और प्लस 5y का होल स्क्वायर, सो 5y का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 5y × 5y को 2 times मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 5 × 5 होता है बच्चों 25 और y × y होता है आपका y स्क्वायर, करेक्ट। आप चाहते थे इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर y को मिलेगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर 25 y स्क्वायर। ओके सो आंसर इज 25 y स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर 25 y स्क्वायर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, 4x² y² प्लस 20xy² प्लस 25y² प्लीज ध्यान दें 20 + 4 मत कर देना, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।